सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गरिमा IAS में। मैं विजय। फ्रेंड्स, हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे और भारत की नदियों में जो है हम लोग उसको दो भागों में विभाजित करके चल रहे थे। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा दूसरी जो थी प्रायद्वीपीय नदियाँ, अर्थात दक्षिण भारत के जो भी पठार हैं उनसे निकलने वाली नदियाँ। ठीक, तो हम लोग जो है हिमालय से जो भी नदियाँ निकल रही थी उसको तीन भागों में, तीन तंत्रों में विभाजित करके देख रहे थे। एक था सिंधु तंत्र और दूसरा गंगा तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोग जो है दो तंत्रों को देख चुके हैं, अर्थात सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को। ठीक, आज जो है हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। और आज शाम को 5 बजे के लगभग हम प्रायद्वीपीय भाग से, अब अर्थात प्रायद्वीपीय अफवाह क्षेत्र से निकलने वाली जो भी नदियां हैं उनको हम शाम को जो है उसका एक वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें जो था प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में विभाजित करके चल रहे हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तथा दूसरी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, तो उसमें जो है हम आज देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां को शाम को, लेकिन अभी हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो कल जो है ये नदी जो है समाप्त हो जाएगा, कल नदी समाप्त हो जाएगा और भारतीय जलवायु को हम लोग परसों से या चौथा रोज से जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग भारतीय नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जो है देखने का प्रयास करते हैं तथा समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, हम लोग भला बहुत इसको समझा ही चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा इन सारे चीजों के बारे में, उतना तो हमको बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी एक झलक जो है इसको देख लीजिए। आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद हम जो है समझाने का प्रयत्न जो है करते हैं। ठीक, आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख लीजिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं बेहतर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यह देखिए, यह है, यहाँ पे पड़ता है मानसरोवर झील, जहाँ से जो है सिंधु नदी जो निकलती थी। ठीक, तो मानसरोवर झील के निकट है एक ग्लेशियर जिसको बोलते हैं हिम का चादर होता है, बर्फ पे जो है हिम का चादर अर्थात बर्फ का चादर जो है बिछा रहता है, उसी को चेमायोंगडुंग ग्लेशियर या चेमायोंगडुंग ग्लेशियर बोल लीजिए, और उसको चेमायोंगडुंग हिमानी भी बोल सकते हैं, या आंगसी ग्लेशियर या आंगसी हिमानी। ठीक, वहीं से जो है यह नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये तिब्बत से निकलती है, चीन में पड़ता है तिब्बत, तिब्बत से निकलती है और वहां पे जो है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। किस नाम से? सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। चलिए आगे चलते हैं। ये सांगपो धीरे 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 आगे बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरती है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है एक पर्वत है, एक आप लोग बताए हैं पर्वत चोटी है, एक कौन पर्वत चोटी है तो आपको बताए थे कि नामचा बरुआ, ऊपर में हम लिखे हुए हैं, लास्ट में देख लीजिएगा, नामचा बरुआ, ये काले से जो दिखाए हुए हैं, यह नामचा बरुआ पर्वत को जो है यह काटते हुए अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, तो जब काटते हुए प्रवेश करती है तो वहां पे भी इसका नाम सांगपो रहता है, लेकिन जैसे ही काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यहीं पे जो है दो नदियां आती हैं, एक दिबांग नाम से, दिबांग और इस लोहित नाम से। एक एक बात जान लीजिएगा, जब अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। क्या हो जाता है? दिहांग। जब अरुणाचल प्रदेश में चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात सांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसकी नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग हो जाता है, दिहांग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, दिहांग आगे आती है, तब तक इधर से दो सहायक नदी आती है, एक दिबांग और एक लोहित, दोनों मिल करके ब्रह्मपुत्र में जुड़ती है। कहाँ पे जुड़ती है? अर्थात दिबांग में जुड़ती है। इसको भी ब्रह्मपुत्र हम नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे दिबांग। ये आई आपको सांगपो, और यहाँ प्रवेश की जैसे ही भारत में था अरुणाचल प्रदेश में दिबांग हो गई, दिबांग धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब तक दो सहायक नदी, एक आती है दिबांग और एक आती है लोहित, दोनों आकर के इसी दिहांग में मिल जाती है। ये दिबांग है और ये दिहांग है, देखिएगा जरा ध्यान से, दोनों नदियां आकर के मिलती हैं। उसके बाद ये जहाँ पे मिलती है वहां से अब एक धारा होकर के बहने लगती है, दोनों मिल करके नदियां अब एक धारा में बहाव इसका होने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नाम से आगे की तरफ जो है बढ़ती है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से। तो हम देख रहे हैं यहाँ से सांगपो बहती है, सांगपो के बाद भारत में जैसे ही एंट्री करती है दिहांग हो जाती है, दिहांग के बाद दो नदियां दिबांग एवं लोहित आती है और एक साथ धारा मिलकर के उसको दिहांग में मिलती है, उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र बहती है। अब ब्रह्मपुत्र धीरे धीरे आगे बढ़ते चलती है, ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ते 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 जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह जमुना के नाम से बहने लगती है। किस नाम से? जमुना। बांग्लादेश में जैसे एंट्री की जमुना हो गई, क्या हो गई? जमुना, याद रखिएगा।
बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है उसको, जमुना, जमुना से प्रवेश की। अब इधर से आता है आपको गंगा, अर्थात हुगली नदी की ही जो सहायक नदी थी, आपको पता है पश्चिम बंगाल से जो है इसमें प्रवेश करती है, तो गंगा आती है। इधर से क्या आती है, जमुना, गंगा जमुना, गंगा जमुना दोनों मिलती है, उसके बाद एक धारा में बहने लगती है। तो जब एक धारा में बहती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसी को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वही बोल दिया जाता है कि गंगा को ही बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये नदियां जो है आगे धीरे धीरे फिर बढ़ती हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते 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 आपको एक नदी है यहाँ पर, देखिए यही नदी है। आपको यहाँ से जो है ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये काला जहाँ पर अभी देखिए ध्यान से, जहाँ से हम ये तीर वाला एरो निशान इधर भैरव लिखे हुए हैं, यही जगह है भैरव, और यहीं से एक नदी निकलती है मेघना, जिसका नाम है मेघना। ठीक, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं मेघना। वो मेघना नदी जो है आपको एक चांदपुर जगह है बांग्लादेश में पड़ता है, वहीं पे आकर मेघना मिलती है और इधर से आकर के पद्मा मिलती है। ठीक, यह इधर से आकर के मेघना मिलती है और इधर से आकर के पद्मा मिलती है, उसके बाद यह जो है मेघना के नाम से ही यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा मुझे जहां तक लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक और फिगर बनाए हुए हैं नीचे में, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आएगा। नामचा बरुआ पर्वत को दिखाए हैं, दिहांग को दिखा दिए हैं, दिबांग लोहित यह है, इसको पासी घाट बोलते हैं। यही पासी घाट के आगे में जो है माजुली द्वीप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, हम लिखे हुए हैं सभी चीज। ठीक, नदी द्वीप है, उसके बाद देखिए इसकी सहायक नदियां, चार सहायक नदियां हैं, मुख्य है और भी है लेकिन चार जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। एक सुबनासिरी, देखिए सुबनासिरी है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम दिखाए हैं इस यह जो नदी है इसको हम धनसिरी, इसको थोड़ा हम जूम करके चलते हैं, सुबनासिरी और धनसिरी को थोड़ा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा ठीक से। यह जो है सुबनासिरी, यह जो है धनसिरी, ठीक यहाँ पे हम दिख दिए हैं। तो यह धनसिरी जो नदी है यह आपको निकलती है कहाँ से, तो नागा की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, नागा की पहाड़ी से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं, अभी आगे हम सारी चीजों को बताएंगे। उसके बाद जो है आपको मानस, एक नदी है मानस भी आकर के मिलती है, देखिए यहाँ पर यह मानस है, उसके बाद तीस्ता जो है आपको निकल करके आकर के जो है इसमें मिल जाती है आपको जमुना में। ठीक, तो तीस्ता को आपको बताए थे हम जब हम लोग जो हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे कि यहीं पे जो है आपको पड़ता है कंचनजंगा, यह हो गया सिक्किम। तो सिक्किम के आपको उत्तर और पश्चिम में जो है आपको कंचनजंगा पड़ता है, उसी की पहाड़ी से जो है तीस्ता नदी निकल करके आपको पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, प्रवेश करके जो है बांग्लादेश में आकर के जो है मिल जाती है जमुना में। ठीक, तो इतना आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम एक और फिगर बनाए हुए हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वो भले समझ में ना आया हो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, चमायांगडोंग ग्लेशियर है मान लीजिए, यांगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ये नदियाँ निकली। ठीक, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, नामचा बरुआ पर्वत है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद इसका क्या नाम हो जाता है, दिहांग, देखिए दिहांग दिखाया है, यह अंदर जा करके जो है यहाँ पे पासी घाट पड़ता है, पासी घाट के पास ही है एक दिबांग नदी आती है इधर से और लोहित नदी। ठीक, तो ये दोनों आकर के मिल करके एक धारा में फिर बहने लगती है, तब तो उसका नाम क्या हो जाता है, तब उसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र बोला जाने लगता है, तब वो ब्रह्मपुत्र बोला जाने लगता है। और ब्रह्मपुत्र पे ही ये जो दिखाए हुए हैं, यह माजुली द्वीप है, आप लोग देख लीजिएगा, माजुली द्वीप जो है यही जो आपको खाली रिक्त स्थान जो दिख रहा है, ये यही माजुली द्वीप है, यहाँ पे हम दिखा दिए हैं माजुली, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, यह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, आगे बढ़ते 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 देखिए यह भरेली एक जिला है, वहां से होकर के गुजरती है, उसके बाद गुवाहाटी है, गुवाहाटी से भी होकर के गुजरती है, उसके बाद धुबरी एक जगह है जहाँ पर संकोच नदी आकर मिलती है, उसके बाद जो है यह जमुना के नाम से अंदर बांग्लादेश में अर्थात प्रवेश कर गई है। ठीक, बांग्लादेश में प्रवेश करके जमुना है, ठीक, और इधर देखिए गंगा आ रहा है, अब दोनों मिल गई है, उसके बाद पद्मा हम यहाँ पर दिखा दिए हैं, अब इधर से आकर के यहाँ पर चांदपुर है, और चांदपुर ये जो भैरव जगह है इस पर भी एक नदी है ऊपर से आकर बराक, जिसको सुकमा नाम से जाना जाता है, ये बस नाम याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पूछे बराक कहाँ का नदी है तो आप लोग रखिएगा याद कि आपको आपको बांग्लादेश की नदी है। तो यह भैरव के आसपास मिलती है और वही नदी जो है मेघना के नाम से आगे निकलती है, यह मेघना आगे बढ़ते 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 चांदपुर में आकर मिलती है, उसके बाद मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, डेल्टा बनाते हुए। ठीक, यह है दाहिने तरफ की नदियाँ और यह है बाएं तरफ की नदियाँ। धनसिरी को देख लीजिए, धनसिरी जो है नागा की पहाड़ी से निकलती है, यह तेजपुर में आकर मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तेजपुर में, धनसिरी जो है तेजपुर में आकर के मिलती है। यहाँ पे और चीजें को जो है दिखाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए अब आइए थोड़ा इसको हम सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है चाइना में बहता है न्यांग क्यू, ये पारलुंग सांगपो, ये सहायक नदियां हैं, ये सारी पूछते नहीं है, भारत में जो हम चार बताए हैं वही पूछती है, एक सुबनासिरी, इधर से जो है धनसिरी, और एक है मानस,
और एक है आपको तीस्ता। संकोच को भी याद रख लीजिएगा, धुबरी में आकर के मिलती है, एक जिला है अभी, गंगा, पद्मा, ये हो गया जमुना, जैसे प्रवेश की तो जमुना, जमुना और यमुना में अंतर है, ठीक। यमुना आपको दिल्ली में जो बहती है, हम लोग के भारत में जो बहती है उसको यमुना कहते हैं, यह है जमुना, याद रखिएगा इतना, ठीक। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको फिट कर देते हैं। चलिए आप लोग इतना पर जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। इसको लेकर के और समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और चीजें तो हम लिखे ही है नीचे में। चलिए अब जो लिखे हुए हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक चीज के लिए जो है हम माफी चाहते हैं, यहाँ पे देखिए सिंधु नदी तंत्र हो गया है, ब्रह्मपुत्र कर लीजिएगा, इसके लिए हम बहुत बहुत माफी चाहते हैं। आप लोग प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो गई, इंसान से ही गलतियां होती है। आशा करता हूँ आप लोग माफ कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लिखिएगा, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्लीज इसके लिए सॉरी। तो आगे चलिए अब हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट चेमाईअंगडू ग्लेशियर से, अर्थात आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। हम जो वो ऊपर में बताए हुए हैं फिगर में, उसी को जो है यहाँ पर कर देना है। तो प्लीज इसको जो है आप लोग सुधार लीजिएगा, सिंधु की जगह पर जो है आप लोग बस ब्रह्मपुत्र करना है और कुछ करना नहीं है, बस ब्रह्मपुत्र करना है और कुछ करना नहीं है, आप लोग इतना जरूर कीजिएगा मेरे लिए प्लीज। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं तिब्बत में, सांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक। अगले पॉइंट को देखते हैं कि भारत में नामचा बरुआ चोटी को काटकर जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नामचा बरुआ कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरुआ चोटी कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत की किधर स्थित है, तो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व की तरफ है, ठीक। तो चोटी को काट कर प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहते हैं, किसे नाम से जाना जाता है, जब नामचा बरुआ की चोटी को काट कर प्रवेश करती है तो दिहांग, किस नाम से, दिहांग, किस नाम से, दिहांग, ठीक। अगले पॉइंट को देखते हैं। दिहांग में दो नदियां, एक दिबांग तथा लोहित, संगम कर मिलती है और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जानी लगती है, ठीक। जो चीजें ऊपर में हम आपको समझाए हैं वही चीजें जो है लिखे हुए हैं, ठीक। दिहांग में दो नदियां, दिबांग और लोहित, संगम कर मिलती है, उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जानी लगती है, ठीक, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले पॉइंट को देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना, किस नाम से, जमुना, किस नाम से, जमुना, कहाँ पर, बांग्लादेश में, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना, ठीक, याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं कि जमुना में जब हुगली, जमुना में कौन, जमुना में जब हुगली अर्थात गंगा, गंगा ही ना, हम गंगा की सहायक नदी है ना हुगली, इसलिए हम यहाँ पर गंगा के भी बोल सकते हैं, अर्थात गंगा ही प्रवेश करती है वहां पर, कहाँ पर, बांग्लादेश में, जहाँ पद्मा का निर्माण करती है। जमुना में जब हुगली अर्थात गंगा मिलती है और उसके पश्चात एक धारा में बहती है जिसे पद्मा के नाम से बोला जाता है या जाना जाता है, ठीक, किस नाम से, पद्मा के नाम से, किस नाम से, पद्मा के नाम से, कौन है, किसको जाना जाता है, तो गंगा को। तो गंगा को आप केवल मत बोलिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की जो है आपको एक धारा को बोलते हैं, ऐसे गंगा को लोग बोल देता है सामान्य तौर पर, लेकिन अगर आप विशेष तौर पे, अगर आप काफी ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा जानते हैं, अगर ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानने का मतलब क्या, जो रियल है वही तो हम बोलेंगे, तो यहाँ पे हम वहाँ पे केवल गंगा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल करके जो है उसके बाद एक धारा में बहती है, उसके बाद पद्मा बनता है, न कि डायरेक्ट हम पद्मा को, गंगा को जो है पद्मा बोल देंगे, ऐसे ऐसा जो है नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। पद्मा में एक अन्य नदी मेघना, आप देखें पद्मा में एक अन्य नदी मेघना जो है बांग्लादेश के चांदपुर में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है एक मेघना नाम की नदी जो है पद्मा में आकर के मिलती है। पद्मा में कौन कौन नाम की नदी मिलती है, तो मेघना में, कहाँ, तो चांदपुर में, कब, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, कहाँ मिलती है, तो चांदपुर में, चांदपुर जगह जो है पूछा हुआ है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तत्पश्चात जो है मेघना के नाम से ही वह डेल्टा का निर्माण करते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। डेल्टा के जब वो दोनों मिल जाती है, पद्मा और मेघना, उसके बाद पद्मा उसका नाम समाप्त हो जाता है, अब वहां से मेघना के नाम से जो है यह आगे की तरफ बढ़ती है तथा डेल्टा को निर्माण कर अनेक वितरिकाओं में, जो एक नदी थी अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है, उसके बाद अनेक वितरिकाओं यानी जल वितरिकाओं मतलब छोटी छोटी नदियों में, उसके बाद जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। इतना आप लोग को बिल्कुल ले समझ में आ गया होगा। सादिया नगर में दो सहायक नदियां दिबांग एवं लोहित मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। सादिया आपको याद होगा, लोहित और दिबांग भी आपको याद होगा, भूपेन हजारिका पुल जो बना हुआ है, दुनिया का सबसे लंबा जो पुल बना है, सड़क पुल, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक।
उसके बारे में जो कि आपको बना हुआ है असम में, तो आप सभी को पता होना चाहिए असम और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र कवर करता है वहीं पे जो है यह बना हुआ है, और वो काफी बाढ़ का इलाका था इसलिए बना हुआ है, और वो जो है भारत के सामरिक दृष्टिकोण से जो है काफी महत्व रखता है, सामरिक रणनीतिक दृष्टि से वो पुल जो है काफी अहम हो जाता है हमारे लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए। ठीक, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे मिलती है, तो आपको सादिया नगर, सादिया एक जगह है आपको पड़ता है वहीं पर जहाँ पे ये दोनों नदियाँ जो है आकर के मिलती हैं। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ऐसे तो है सहायक नदियाँ अब आपको देखे हैं ऊपर में बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन चार ही आप लोग याद रखिएगा, उसमें एक और आप लोग जो आपको देखे हैं संकोच उसको भी शामिल कर लीजिए। संकोच कहाँ निकलती है, तो धुबरी में आकर के जो है मिल जाती है, वो हिमालय से ही आती है उसको याद रखिएगा। तो सुबनासिरी या सुबनसिरी भी कहीं लिखा जाता है, सुबनासिरी या सुबनसिरी, उसके बाद धनसिरी, तीस्ता या मानस आदि। ठीक, इतना आप लोग देख लीजिए, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप पर है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, तो माजुली द्वीप पर। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, तो माजुली द्वीप पर। ठीक, तो सुबनासिरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुबनासिरी नदी के बारे में, यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। सुबनासिरी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग जो है लंबा है। हिमालय क्षेत्र में जो है इस नदी का मार्ग क्या है, तो लंबा है। हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग क्या है, तो लंबा है। ठीक, उसके बाद धनसिरी के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। धनसिरी, धनसिरी ये नदी जो है नागा के पहाड़ियों से निकलती है। नागा के पहाड़ी आप लोग बोलिए क्या है, आप लोग भूगोल के शुरू से आप लोग वीडियो देखते आइए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये नागा के पहाड़ी नागालैंड में पड़ता है और उसके बाद जो है मणिपुर के कुछ क्षेत्र को जो है कवर करता है। ठीक, तथा नौगांव, नौगांव जो है असम का एक जिला है। ठीक, आप लोग देखिएगा नौगांव, नौगांव के बीच जो है लगभग 300 किलोमीटर बहने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी जो है नागा की पहाड़ियों से निकलती है तथा नौगांव के बीच लगभग 300 किलोमीटर बहने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। धनसिरी जो है कितने किलोमीटर बहती है नौगांव और नागा के पहाड़ी के बीच, तो 300। कहाँ से निकलती है, तो नागा पहाड़ियों से। नागा पहाड़ी कहाँ है, तो आपको नागालैंड और मणिपुर के बीच में। ठीक, हम आप लोग को एक जो है मानचित्र का वीडियो बना करके डाल सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए अपलोड कर दे, और टोटल राज्य का रहेगा और टोटल राज्य की जो है विशेषताएं भी उसमें रहेंगी। ठीक, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक जिला के बारे में हम बता देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं। तीस्ता नदी को थोड़ा देखिए, तीस्ता नदी जो है काफी अहम हो जाता है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है। आप लोग देखे हुइएगा सबसे पश्चिम में अर्थात इधर की तरफ है, आप लोग मैप में देखे हुइएगा। यह ब्रह्मपुत्र की क्या है, सबसे पश्चिमी दाहिने तट की जो है सहायक नदी है। कंचनजंगा से निकलते हुए यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, दार्जिलिंग जो है आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक तीव्र पर्वतीय प्रवाह जिसमें रांगपो, रंगीत तथा सेवक जैसी सहायक नदियां आकर के मिलती है। कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है इसमें, तीस्ता में, तो रांगपो, रंगीत, सेवक। रांगपो, रंगीत, सेवक, रांगपो, रंगीत, सेवक, कौन कौन सी नदियां तीस्ता में आकर के मिलती है, तो रांगपो, रंगीत, सेवक, रांगपो, रंगीत, सेवक, रांगपो, रंगीत, सेवक। ठीक, कहाँ से निकलती है तीस्ता नदी, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, तो आप लोगों को पड़ता है यह नेपाल और आपको जो है भारत की जो सिक्किम राज्य है उसके उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक, यह हो गया ऊपर की तरफ उत्तर और यह हो गया पश्चिम, तो आप लोग देखिए इसी कोण को जो है बोलते हैं, इस कोना को, इस एंगल को आपको उत्तर और पश्चिम, तो इसी एंगल पे आप लोग देखिएगा सिक्किम के आपको बिल्कुल किनारे आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन से हैं, रांगपो, रंगीत और सेवक। ठीक, मानस को देखने का प्रयास करते हैं। मानस को आप लोगों को पता होगा, मानस काफी फेमस है। मानस में जो है आप लोगों को अभयारण्य भी बनाए गए हैं, जैविक अभयारण्य, उसको बारे में जो हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग को विशेष रूप से जो है पढ़ना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी जब पढ़ेंगे तो उसको मानस को हम लोग अच्छे तरीके से जो है देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। यह तिब्बत से निकलकर बृहद हिमालय में एक महाखड़ का निर्माण करती है। महाखड़ क्या होता है, आप लोग पीछे डीप वीडियो देखे हुइएगा, तो उसमें खड़ के बारे में हम बिल्कुल बताए हुए हैं। खड़ जो है भी आकार की घाटी होती है, जैसे एक पहाड़ यह हो गया और एक पहाड़ यह हो गया, इसी में जो है नदियां बहते 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 बिल्कुल इसको खाई कर देती है, आधार तल को प्राप्त कर लेती है, बेस में अंदर चली जाती है। गर्जन के कारण जो है मिट्टी का कटाव करते 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 बिल्कुल अंदर नीचे की तरफ चली जाती है, ऊपर से नदियां बहते बहते पहाड़ का जो है कटाव करती रहती है, अर्थात कटाव करते करते देखिए बहते 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 नीचे चली जाती हैं। और ये रियल में जो पहाड़ होता है शुरू में ऐसे होता है, और जब इस पे नदियां जब बहने लगेंगी तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, इस आकृति में जो है भी आकृति की घाटी की जो है निर्माण कर देता है। ठीक, इसी में जो है नदियां बहने लगती है। ठीक, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको।
अब आइए मानस के बारे में हम बता दिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यह समाप्त होता है आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब जो है हम शाम को जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे आप सभी के लिए, और वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक। और उसके पश्चात जो है देख लेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और इस तरह जो है हमारी भारत की नदियाँ जो है समाप्त हो जाएंगी, ठीक। तो फ्रेंड्स बस आप लोग मेरे से जुड़े रहिए इसी तरह, और आप लोग प्लीज एक बात बता नहीं रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो बोलिए, कुछ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बुरा ही सही वो भी बोलिए बुरा लगे तो, लेकिन बोलिए तो, बोलने से पता चलेगा ना हमको, हमको भी कुछ है। और एक बोलते हैं ना जोश जुनून एनर्जी नया एनर्जी मिलेगा, तो फिर और भी ज़्यादा, एक नहीं कहते हैं लगन से कोई काम किया जाता है, ठीक। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, आप शिथिलता दिखाइएगा तो हमें भी थोड़ी थोड़ी शिथिलता आने लगती है ना। तो आप लोग में शिथिलता लाने का काम तो हम कर ही रहे हैं, आप लोग देखिए कि हम कितना अपडेट हैं कि रोजाना इतना सुबह में जो है वीडियो अपलोड करते ही करते हैं, 100% करते हैं, और रोजाना करेंगे। आप लोग विश्वास कीजिए, हमको 4 सब्जेक्ट खत्म करना है, जीएस का, हिस्ट्री, और आपको बताए हैं इकोनॉमिक्स हो गया, और उसमें आपको ये चल ही रहा है, और उधर जो है पॉलिटी चल ही रहा है, हम लोग सब संविधान पढ़ रहे हैं, आपको हम बोल रहे हैं 1 माह नहीं लगेगा ये दोनों समाप्त होने में। सच में अभी थोड़ा मुझे काम है, व्यस्तता के कारण जो है अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं डाल पा रहे हैं, लेकिन 1 से 1.5 माह में हम जो है ये दोनों सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, पक्का विश्वास कीजिए। तो मिलते हैं कल, लेकिन न्यूज़ आप लोग सुनिए, न्यूज़ से आप लोगों को फायदा होगा, ज़्यादा देर का न्यूज़ तो होता नहीं है, 5 से 7 मिनट का न्यूज़ ही होता है, उसमें जो है काफ़ी चीज़ों को बता देते हैं, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, फायदा होगा आपको, और यूपीएससी के दृष्टिकोण से जो भी रहते हैं उसी को जो है मैं बताने का प्रयास करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ें जो है नहीं बता देता हूँ, कोई भी अनर्गल चीज़ें जो कि आवश्यकता नहीं हो। तो फिर दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।